क्वेश्चन नंबर 13 और 14 रहता था, इसमें हमने मैट्रिक्स मेथड से हल करना है। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड। पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 4, एक्स का 3, फिर वाई का, यहाँ कुछ ना हो तो 1 होता है, और यहाँ वाई का क्या है, -2। अब यहाँ आ जाएगा, जो वेरिएबल यहाँ हो वो यहाँ आ जाएंगे, एक्स और वाई। अब ये इक्वल है तो 1 इक्वल डालेंगे, 2 नहीं डालेंगे। फिर ये 13 और 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ए होता है, इसको हम कैपिटल एक्स, और इसको बी कहते हैं आमतौर पर, ये टर्म्स यूज होती हैं वैसे। अब ये एक्स जब इस तरफ आएगा तो ये एक्स हो जाता है, ए जब इधर आता है तो ए इनवर्स हो जाता है। ठीक है, असल में यहाँ जो रकम हो वो इधर आके चूंकि डिवाइड होती है, इसलिए जब हम इसको ऊपर लाते हैं तो इसकी पावर माइनस हो जाती है। इसको हम ये डायरेक्ट लिखते हैं, ये वैसे समझाने के लिए बताया आपको। ठीक है, तो अब हमें नज़र आ रहा है कि हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, और हम इनवर्स फाइंड करना सीख चुके हैं। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए, वो हम पहले मालूम कर लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट, ये इसको हमने ए का, इस मैट्रिक्स को, इसका हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले का लगाएंगे, और इसको इसके साथ, -4 2 8, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, 8 में से 5 गए तो 3 गए तो 5 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमें एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं हम। तो एडजॉइंट में हम क्या लिखते हैं, ए डी जे। ठीक है जी, अब ए है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट में। इनकी जगह चेंज की जाएगी, -2, 4 नीचे आ गया, और जो इधर वाली होती है उनकी लामते हैं। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये कुछ लामत नहीं है तो प्लस होती है, तो ये माइनस हो जाएगी। ले जी, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर लिए, अब इसको हम सिंपल फार्मूले के अंदर रख लेंगे। इसको खोल लेते हैं। अब जो एक्स बराबर है ए इनवर्स बी, अब ए इनवर्स जो है ये बराबर होता है एडजॉइंट ए का बटा उसका डिटर्मिनेंट ए का इंटू ये बी वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट की वैल्यू ऊपर लिखते हैं, क्या है, -2 1, -3 4 इंटू बी की, ये ऊपर बी की वैल्यू है हमारे पास 13 और 6, 13 एंड 6, ओवर एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 13 26 प्लस फार्मूले का 16 6, -13 3 39 प्लस 4 6 24। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये कैपिटल एक्स आता जाएगा, और इसके बटे में क्या है हमारे पास, -5। आगे आ जाएंगे, अब ऊपर देखें तो 26 में से 6 माइनस हो रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -20। नीचे जो 5 है उसको अंदर डिवाइड भी कर देंगे दोनों से, 39 में से 24 निकालें तो हमारे पास ये 9 में से 4 गए तो 5, और 3 में से 2 गए तो 1, -5, और ये -5 को इधर इससे भी डिवाइड कर देंगे। अब जो पहली है उसको हम स्मॉल एक्स कह देंगे, कटिंग भी कर दें, 5 4 20, और जो दूसरी है उसको स्मॉल वाई कह देंगे,
5, 3, 15। ले जी, ये था मैट्रिक्स मेथड। इसका हमने पार्ट नंबर ए हल कर लिए। अब हम चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा है एट एक्स बाय टू माइनस एट वाई इक्वल टू जीरो। सेकेंड वाला है 8 + 16y इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें पहले हमें इसको सीधा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ये हल करना पड़ेगा। टू को नीचे से हटाने के लिए हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। ये देसी एलसीएम है। देसी एलसीएम के तीन स्टेप होते हैं। नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 = 2। फिर इस वाली को पहले दरव करना है। 1 को x से करेंगे तो x ही आएगा, 2 को 8 से करेंगे 2 × 8 = 16y इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया एक्स माइनस 16y। यहाँ जो भी रकम आए ना देसी एलसीएम के बाद, देसी एलसीएम तीन स्टेप होते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको इधर, ये उधर जाकर जरब हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस 16y 2 × 0 जीरो होता है। तो ये अब हमारी इक्वेशंस दोनों आ चुकी हैं, इनको ऊपर नीचे लिखते हैं और सवाल शुरू करते हैं। एक्स प्लस 16y इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक है जी, ये इक्वेशन 1 और ये 2 हो जाएंगे। अब दोनों में से वैल्यूज निकाल लें, इन दोनों के कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 1 आ जाएंगे। इसका माइनस 16 और इसका 16 है, दूसरी में x और y आ जाएगा, और फिर आगे जो b आता है वो 0 और माइनस फाइव आ गया हमारे पास। इसको हम a कहते हैं, इसको x, इसको b। x उधर जाता है तो a उधर जाकर a इनवर्स हो जाता है। अब हम a इनवर्स फाइंड करना है। ये इसको हमने a कहा है तो इसको मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ पहले। 1 1 माइनस 16 और 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ। 16 1 = 16, माइनस अब माइनस प्लस होता है, 1 16 = 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास 32। इसका एडजॉइंट भी ले लें साथ, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है, इनकी जगह चेंज और इनकी अलामतें। तो अब हम फार्मूले में दर्ज कर देंगे, यहाँ पर फार्मूला बनेगा x बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए इंटू बी। अब एडजॉइंट ए जो है वो है 16 16 - 1 1। ठीक है, और जो बी है वो हमारे पास ये ऊपर 0 - 5, और डिटरमिनेंट की वैल्यू है 32। इनको ज़रब कर लेंगे, 16 0 6 0 हो जाएगा, और 16 5 80, -100 ±5 1 5 बटा 32। दोनों को 32 से डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक को हम एक्स कह लेंगे पहली वाली को, -80/32। दूसरी को वाई कह लेंगे, -5/32।
ये देखें, अगर लास्ट पे इवन नंबर हो ना, 0, 2, 4, 6, 8 दोनों का, और 2 के टेबल से कटिंग हो जाते हैं, तो इनको हम 2 के टेबल से कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो 2, 4, 8, 0 का 0, 2, 1 जा 2, 2, 16 जा, फिर इवन है, फिर कटिंग हो जाएगी 2 से, 2, 20, 2, 8 फिर कटिंग हो रही है, 2, 10, 20, 2, 4 फिर कटिंग हो रही है, 2, 5, 10, 2, 2, 4 जितनी दफ़ा ऊपर कटिंग होगी उतनी दफ़ा ही नीचे होनी चाहिए। अब ये माइनस, और ऊपर है हमारे पास 5 और नीचे है हमारे पास 2, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। कोशिश करें कि नेक्स्ट पार्ट आप खुद हल करें, मैं हल तो कर देता हूँ लेकिन आप खुद करें, बस इसको मैच कर लें फिर बाद में, के कोई मिस्टेक अगर हो रही हो तो वीडियो से ना देखें, खुद करें इसको, ताकि आपको पता चले आपको समझ आ गई है कि नहीं। 3x+2y=1, 5x-3y=27। पहले इनके कोएफिशिएंट ले लें, 3, 5, 2 -3, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, और ये आ गया 1 और 27। ax और b, हम चूंकि इनवर्स चाहिए होगा इसका, ठीक है ना, इधर आकर इनवर्स हो जाती है। तो अब a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 3, 2, 5 -3, -3, 3 जा 9, माइनस फार्मूले का 5, 2 जा 10, तो ये -19 आ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट ही करते हैं, आप लोग स्टेप पूरे करना जब पेपर में करेंगे। तो एडजॉइंट ए का, इनकी जगह चेंज और इनकी अलामतें, तो इस तरह ये जो है हमारा सवाल हल हो गया, ठीक है। हल तो नहीं हुआ, मेरा मतलब है इसको अब हम आगे चलाते हैं। तो इधर वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, एक्स बराबर ए इनवर्स का हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू बी, जो हमारा एडजॉइंट है, ठीक है, वैल्यू पीछे से ले लेते हैं, -3 -2 -3 -2 -5 3 -19 एडजॉइंट डिटर्मिनेंट, और जो बी है वो हमारा है 1 और 27, 1 और 27। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 19 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3, 1 जा 3। अब ये जो ज़रब है ना, ये 5.1 में बड़ी तफसील से मैंने समझाई है, तो अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी तो आप 5.1 में से देख लीजिए अच्छे से। -27, 2 जा 54 होता है, -5, 1 जा 5, और ये तकरीबन 81 आ जाएगा, -19। ये अलामतें एक जैसी हैं, जमा हो जाएंगे तो ये 57 आ जाएगा, और इसमें से 5 माइनस कर दें तो आई थिंक 76 आ जाएगा, और -19, बस डिवाइड कर दें, पहले एक्स हो जाएगी, ठीक है, 19, 3 जा 57 होता है, दूसरी को वाई कह लेंगे, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, और 19, 4, 76 हो जाएगा। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सी वाला पार्ट। अब हम चलते हैं जी बी वाले पार्ट पर। थ्री बाई टू एक्स
जम ऑफ वाई इक्वल टू 3/4, कोई मसला ही नहीं, देसी एलसीएम हमें आते हैं, पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। हाल तो ऐसे भी हो जाता है लेकिन फिर मुश्किल हो जाएगा, इसको पहले हम इसका नीचे से जो रेशियो ख़त्म कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा ले, देसी एलसीएम 2 1 2, पहले इनको मल्टीप्लाई फिर इसको इधर, 3 1 3 प्लस फार्मूले का मतलब ये वाला फार्मूले का नहीं, देसी फार्मूले के 3 स्टेप होते हैं ठीक है, इतने 3, पहले इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, फिर जो इधर है इसको उधर ज़रूर करना है, 3 1 3 प्लस फिर जो इधर है इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, 2y ये आ जाएगा 3/4। वो अगर देखें तो ये सेम टेबल में आ रहे हैं, हम इनको कटिंग कर सकते हैं ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ पर ये कटिंग होकर 2 आ जाएगा ऐसे। जब भी देसी एलसीएम होना है उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़रूर होना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर वाली इधर जाकर मल्टीप्लाई होती है, जो इधर होती है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 अंदर को मल्टीप्लाई करें, 2 3 6x एंड 2 2 4y, ये 3 1 3 हो गया ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी उसने पहले सीधी दी हुई है, x माइनस 2y इक्वल टू 2 ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो इसको अब हम हल कर लेते हैं। 6 1 4 माइनस 2 एक्स वाई बराबर 3 2, ये ए हो गई, ये एक्स, ये बी, ए इधर आएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा ठीक है। अब हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए ए का, ताकि हम इनवर्स मालूम कर सकें। 6 1 4 माइनस 2 6 2 12 माइनस फार्मूले का 1 4 4, तो ये आ जाएगा -16। इसके बाद हमें इसका एडजॉइंट चाहिए, इनकी जगह चेंज, इनकी अलामतें ठीक है जी। अब फार्मूले में ये रकमें रख देते हैं, एक्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। अब जो एडजॉइंट है हमारे पास वो है -4 -2 -1 and 6, और जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू है -16, और जो बी है वो है 3 and 2। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 16 से डिवाइड कर देंगे, -2 3 6 -4 2 8 -3 1 3 +6 2 12 -16, तो ये आ जाएगा -14, इसके नीचे -16 आ जाएगा, और फिर 9 के नीचे भी 16 आ जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी -9 +2 7 2 8, ये कटिंग नहीं आती तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13।